शौक था मुझे नाचने का, बहुत शौक था, लेकिन कथक का कुछ मुझे मालूम नहीं था कि क्लासिकल डांस क्या होता है या कथक या और जो डांस फॉर्म्स हैं वो क्या हैं। जब मैंने महाराज को सबसे पहले देखा वो बहुत बड़ा जो था एक खूबसूरत टाइम था जब मैं उनसे मिला, और फिर मैंने ये देखा कि कथक कैसा होता है और मुझे बड़ा खूबसूरत लगा। बस उसी तरह मैंने बस एक जैसे बच्चे का शौक होता है मैंने कथक करना शुरू कर दिया और करता गया। फिर थोड़ा सा जब बड़ा हुआ तो मुझे इतना हो गया कि मैं ख़ुद ट्रैवल कर सकूं, ख़ुद जा सकूं क्लास में जाके, मैं महाराज से मैं सीखता रहा आर्ट्स काउंसिल में। मैं बड़ा ब्लेस्ड आदमी हूँ मेरे ख़्याल में, क्योंकि मुझे कभी फैमिली से कोई प्रेशर नहीं मिला। कभी भी उन्होंने, मेरे पेरेंट्स ने या मेरे भाइयों ने या मेरे और फैमिली मेम्बर्स जितने भी थे, उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि नहीं करना। इतना कहा कि देख लो तुम, ज़िंदगी गुजर सकती है, फाइनेंशियल साइड भी होती है, ज़ाहरी बात है। तो बस बड़ा जोश था मुझे, तो मैंने कहा कि मैं कोई बात नहीं, जो भी है मैंने यही करना है। तो वो मान गए, उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं रोका, और ये बड़ी ही, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं तो बहुत अपने आप को इसमें खुशकिस्मत समझता हूँ। कथक का मतलब कथा से है, कहानी सुनाने वाला। और कहानी ज़रूरी नहीं कोई जो है वो ट्रेडिशनल कहानी ही हो कि राधा जा रही है कृष्ण, जो हमारा एक ट्रेडिशनल है कथक का, लेकिन बयान करने की चीज़ है। कुछ भी आप उसमें बयान कर सकते हैं, या आप एक लफ्ज़ भी बयान कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे प्यार या मोहब्बत या एंगर, एक वर्ड भी आप बयान कर सकते हैं। तो एक्सप्रेस करना, अपने आप को पेश करना, अपना जहन और अपना दिल, उन दोनों को मिलाकर एक बात प्रेजेंट करनी, सुनाना, तो बयान करना है सब। मुझे वो टाइम बहुत याद आता है अभी भी जो मैंने महाराज के साथ गुजारा है, और वो ख़ासकर वो टाइम जब हम लोग जाते थे जैसे पिंडी इस्लामाबाद परफॉर्मेंसेस करने के लिए, तो सुबह सुबह उनके घर, वो क्योंकि अनारकली में वो रहते थे, तो उनके घर जाकर वहाँ से वो हमने स्टेशन जाना होता था। तो सुबह सुबह का वो वक्त जबकि बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो हम लोग टांगे में बैठकर और स्टेशन की तरफ जा रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा चेहरे पे लग रही है, तो वो चीज़ें मुझे बड़ी याद आती हैं। अब परफॉर्मेंसेस तो होती हैं, कभी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती है, कभी इतना नहीं, अगर मूड नहीं बना तो नहीं भी होती, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ये जो मोमेंट्स हैं ज़िंदगी के जिसमें उनके साथ जो मैंने गुजारे हैं और पूरी टीम के साथ, वो पुराने लोग जो थे
पुराने म्यूजिशियंस, और वो टाइम मुझे वो सब कुछ मुझे बड़ा याद आता है, और वही मेरे लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, खूबसूरत टाइम है वो। मुझे मालूम नहीं था कि कथक और भरतनाट्यम और ये मुख्तलिफ जो हैं डांस फॉर्म्स हैं, क्योंकि महाराज कथक करते थे, शायद अगर वो कोई और डांस फॉर्म कर रहे होते तो मैं वो ही कर रहा होता आज, क्योंकि वो कथक ही करते थे तो मुझे उसी का सिर्फ मालूम था और वही मैंने सीखा, तो ये वजह है कि मैं कथक करता हूँ। सोसाइटी सबसे पहले तो मुझे परवाह नहीं उसके बाद जो है अब बहुत फ़र्क है, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो तब थोड़ा सा मैं अपसेट भी हो जाता था, जब अगर मुझे ऐसे मुझे लगे कि नहीं लोगों को अच्छा लग रहा। एक डांस तो एक तरफ रखते ना, मतलब कि वैसे कि लड़का क्यों डांस कर रहा है, ये मेन बात थी जो कि मुझे महसूस होती थी, तो वो बस मैंने बर्दाश्त की, और आज मैं समझता हूँ कि उसका मुझे बहुत फ़ायदा है, क्योंकि मुझे अल्लाह का बहुत शुक्र है, मुझे लोग पसंद करते हैं और बहुत प्यार से मेरी परफॉर्मेंसेस पे आते हैं, मुझे बड़े भी छोटे भी सब बड़े इज्जत से पेश आते हैं, और इंसान को क्या चाहिए होता है ज़िंदगी में। फ़र्क तो बहुत पड़ गया है पहले से, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था उस वक्त बिल्कुल शुरू का टाइम था जनरल ज़िया का, तो बहुत सख्तियाँ थी उस वक्त, आप कुछ भी नहीं कर सकते थे, डांस तो बहुत दूर की बात, तो वो पूरा जो एक टाइम था 10-11 साल का, वो बहुत ही मुश्किल वक्त था। उसके बाद आहिस्ता हर चीज़ें बेहतर, कुछ अरसा बेहतर हो जाती थी और कुछ अरसा जो है वो ख़राब रहती थी। बहुत असल में हमारे मुल्क का जो आर्ट फॉर्म, जो आर्ट्स हैं हमारे मुल्क के, वो बहुत डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट पर क्योंकि जिस तरह की गवर्नमेंट होगी उस तरह का यहाँ पर यू नो वो आर्ट्स हो रहे होंगे, लेकिन अब कुछ सालों से तो बहुत बहुत फ़र्क है, बहुत अच्छा, हर चीज़ बहुत खुले तरीके से की जाती है, आपको पता है कि आपने कैसे हर चीज़ को एक्सप्रेस करना है, तो मेरे ख़्याल में ये बहुत अच्छा टाइम है इन सब आर्ट फॉर्म्स के लिए। असल ज़िंदगी यही है, तो कथक मेरे लिए ज़िंदगी है, और मैं सारी ज़िंदगी कथक ही करना चाहता हूँ।